इस वक्त मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में हूँ। सियांग डिस्ट्रिक्ट आप सभी को पता है 2013 को जो है क्रिएशन हुआ था, लेकिन जब विकास की बात करेंगे ना, सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है पिछड़ा हुआ है। हालांकि सियांग डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर दो एमएलए होता है, एक जो है बोलिंग पांगिंग होता है, दूसरा जो है 32 रुमगोंग है। और यहाँ जो सियांग डिस्ट्रिक्ट जो 32 रुमगोंग के अंतर्गत ही चार सर्कल है। पहला तो है काइंग सर्कल जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दूसरा जो है पायुम सर्कल, तीसरा जो है जोमलो सर्कल और चौथा जो है रुमगोंग सर्कल। इन्हीं चार सर्कल को मिलाकर जो है एक यहाँ से विधायक होता है। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। लास्ट टाइम यानी 2019 चुनाव में जो है आप सभी को पता है तहंग ताहू जो कि आईएएस रिटायर है वो एक कैंडिडेट के तौर पर उतरे थे, जिस कारण से जो है तामियो तागा को हार का सामना करना पड़ा था। और आज जो है तहंग ताहू जो है तामियो तागा को समर्थन देते हुए 2024 इलेक्शन में साथ देने के लिए आज तामियो तागा के खेमे में पहुंचे हैं। और आपको जानना होगा तामियो तागा बीजेपी के बहुत पुराने वर्कर है और बीजेपी टिकट से ही लगातार जो है कंटेस्ट करते हैं। 2019 को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका जब पॉलिटिकल करियर की हम लोग जब बात करते हैं 1984 से जो है उन्होंने कंटेस्ट करना शुरू किया। मान के चलिए जिस समय हम पैदा नहीं हुए थे तब से लेकर लगातार जो है 84 को होता है, फिर 89 को होता है, लगातार कंटेस्ट करते हुए 2019 तक आता है। और उन चार कार्यकाल यानी पूरे 40 साल में जो है चार बार जीत हासिल करता है और चार बार जो है हार होता है उनका। और अभी जो है 2024 इलेक्शन में अगर वो फिर से बीजेपी टिकट लेकर के यहाँ से कंटेस्ट करता है तो वो जो है लगातार यानी 45 ईयर्स जो है इसी कंस्टिट्यूएंसी से जो है कंटेस्ट कर रहा है। हालांकि आपको बता दूं ये जो है 32 रुमगोंग जो है जनता के मुताबिक बहुत पिछड़ा हुआ है और जनता का ये भी कहना है अभी मौजूदा जो विधायक है विकास कार्य बिल्कुल नहीं कर रहा है। और यहाँ के पब्लिक ये चाहते हैं कि आने वाला 2024 इलेक्शन में एक ऐसा नेता को फिर से चुनना चाहिए जो 32 रुमगोंग को जो है विकास कर पाए। तो उसमें से केवल और केवल जनता का ये मानना है कि तामियो तागा ही यहाँ से विधायक बन करके जो है रुमगोंग को जो है विकास कर सकता है, अर्थात 32 रुमगोंग को जो है वो विकास कर सकते हैं, ऐसे जनता का कहना है। हमने आज के इस कार्यक्रम में जो है यहाँ की जनता से, यहाँ के वुमेन से, यहाँ के यूथ से और यहाँ के जो बीजेपी पुराने वर्कर्स हैं उनसे हमने बात किया कि आप जो है किस मुद्दे पर 2024 में इलेक्शन लड़ने वाला है। तो उनका ये कहना है कि विकास को लेकर के 2024 में 32 रुमगोंग जनता जो है अपना लीडर चुनने वाला है। दूसरा हमने ये भी सवाल किया है कि क्या तामियो तागा को 2024 इलेक्शन में जो है बीजेपी का टिकट मिल सकता है क्या। तो यहाँ का जनता का कहना है और बीजेपी वर्कर का कहना है कि तामियो तागा को 100% जो है उनको जो है बीजेपी का टिकट मिलना चाहिए, ऐसे यहाँ का जनता कहते हुए नजर आए और यहाँ का बीजेपी जो है वर्कर यानी कार्यकर्ता कहते हुए नजर आए। इस दौरान हमने यहाँ के पब्लिक से और सीनियर सिटीजन से बात किया, देखते हैं ये रिपोर्ट। अंधे आपका क्या नाम है? मेरा नाम यचू कचू। आप कौन सा सर्कल का है? हम पायुम का है। पायुम का है आपका? हम काइंग सर्कल। काइंग सर्कल का नाम। तो आप लोग, हम सुना है कि आप लोग एक्स जेपीएम है। जी जेपीएम, हम पायुम का ही है। कौन सा यार, मैं पहले जो चला गया उसे पहले चला गया। तो आज तो आपने बीजेपी का ये वो लगा लिया, मफलर भी लगा लिया। मैंने जा हुआ ये साल में हम लोग एक तगा सर को वोट मारा था जी। कितना 43 ये में वोट में हार गया। 43 वोट से हारा? मार्जिन सर जीतने वाला था। अभी तो जीतेगा सर। अभी इस बार फिर आप लोग तामियो तागा सर का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, क्या कारण है? नहीं, बीजेपी का अंदर में रहेगा, बीजेपी का टिकट भी मिलना चाहिए और तागा सर फिर से आना चाहिए। तो आप लोग बीजेपी का ही वर्कर्स हैं? हाँ, वर्कर्स हैं। अभी भी हम 32 रुमगोंग का ये असिस्टेंट प्रेसिडेंट है जी, महिला का। तो यहाँ का जब हम लोग 32 आपका रुमगोंग का जब हम लोग बोलने से, एमएलए का जब बात करने से, आपका तामियो तागा को बीजेपी टिकट मिल सकेगा, मिलेगा क्या, आपको क्या लगता है? बेहतर मिलना चाहिए हमको। मिलना चाहिए सोच रहे हैं। क्या कारण है? कारण मेरा तागा सर अभी भी हम सोचता है वही मिलेगा बोल के। तागा सर ही पॉपुलर हो रहा है तो मेरा पॉइंट में तो और भी अभी भी देखिए पहले जैसे उससे आगे बढ़ेगा ज्यादा हो जाएगा। और ये बीजेपी का पुराना भी अच्छा, इसलिए हम लोग इस बार भी जीतेगा। तो मतलब जितना आप लोग जो बीजेपी आप लोग के वर्कर है जो बीजेपी टिकट मिलेगा और जो तागा सर को पुराना वर्कर है उसको मिलना चाहिए, आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर कल को मिलता है तो क्या तामियो तागा सर जो है जीत हासिल कर पाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में उसको टिकट मिला था फिर भी हार गया था, तो इस बार जो है टिकट मिलेगा तो जीतेगा जरूर इस बार जीतेगा जरूर। टिकट नहीं मिले से जीतने, लेकिन टिकट मिलना चाहिए हमको, टिकट मिलना चाहिए। हम लोग
पहले से मतलब ताका सर के साथ में रहता है और हम बीजेपी को वर्कर है, मिलना चाहिए टिकट, अभी भी वही सोच रहे हैं टिकट मिलेगा और भी हम लोग का आगे आदमी बढ़ेगा, टिकट नहीं मिले से तो मिलेगा लेकिन टिकट मिलना चाहिए। एक बात हम सुना है कि आपका पायुम सर्कल जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, अभी रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो इसको मतलब क्या कारण रहा होगा? कोई उस समय अभी का विधायक या फिर उस समय के जो MLA था, क्या पायुम सर्कल को कभी मतलब ध्यान नहीं दिया? आपको क्या लगता है? ध्यान तो ताका सर के समय में दिया था, आधा आधी रास्ता भी बना के रखा है। फिर अभी का MLA जो कुछ भी काम नहीं किया, उसको जो आधा जो करके रखा हुआ छोड़ दिया। तो सबसे तकलीफ क्या होता है आपको? तकलीफ मेरा ये मेन मेरा रोड है, रोड कनेक्शन चाहिए। और नेटवर्क है? नहीं बिल्कुल नहीं, लाइट उस समय ताका सर के समय में लाइट भी आया था, अभी लाइट भी नहीं, लाइट भी नहीं है, बिल्कुल लाइट नहीं। और जितना ताका सर का समय में घर बनाया था, मिडिल स्कूल था, उसमें गालो स्कूल सब अभी खत्म, अभी गोर को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, गोर को भी तोड़ दिया। अब हमको विश्वास नहीं हो रहा है, कभी जाके आप लोग फोटो खींचने चाहते हैं, हाँ पूरा गोर भी तोड़ दिया और जितना उधर इस तरह कोई भी नहीं है, अभी कहीं में कोई गुल कहा में नहीं चलता। तो आपको क्या लगता है, आप लोग तो बीजेपी का वर्कर्स है, आपको क्या लगता है कि मतलब वोट जो है विकास को लेके देना चाहिए या फिर पैसा को देना चाहिए? नहीं, विकास को लेके देना चाहिए जी। तो अभी तो आपका यहाँ विकास नहीं है, तो आपको लगता है कि मतलब तमिल का सर इस बार जीतेगा तो विकास करेगा? हाँ करेगा, हम भी वही काम करेगा। और मेरा उपाय सर को भी थोड़ा रास्ता भी बन जाएगा ऐसे लगता है, और उसका गौर वाला तोड़ दिया अभी वापस बन सके वही उम्मीद है, इसलिए तगा सर को अभी बना रहे। तो मतलब आप दोनों के हिसाब से तमिल का सर जीतेगा? जीतेगा। चलिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तापिर कोमत। आपका कौन सा सर्कल से है? हम रुमगुंग सर्कल से। रुमगुंग, रुमगुंग को सुना है बहुत डेवलपमेंट बहुत पिछड़ा हुआ है, खासकर जो कनेक्टिविटी को लेकर के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, मोबाइल टावर को लेकर के, रोड को लेकर के, तो आपका क्या राय है? मेरा राय तो यही हम रखना चाहेगा, मतलब अभी रास्ता तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रास्ता है रुमगुंग का। हाँ रास्ता का हालत एकदम खराब है, आप कुछ एक बार समय होने से जाके देखिए, एकदम रास्ता का हालत तो आप जाने से पता चल जाएगा कि मतलब हालत क्या है अभी 32 रुमगुंग कोचिंग से। फिलहाल अभी का जो हमारा तालेम था वो प्रेजेंट MLA जो है, सुनने को आया था कि कुछ मेंटेनेंस का भी आया है कुछ फंड, अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल से तो कुछ भी नहीं है मेंटेनेंस के नाम में अभी तक। तो जिस कारण आपको प्रॉब्लम होता है बहुत ज्यादा, तो आज का प्रोग्राम क्या है, किसके लिए आज किसको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे? आज का प्रोग्राम तो हमारा ये लास्ट 2019 का ये NPP से एक कैंडिडेट था हमारा यहाँ 32 में, तो वो ये बार हमारा तमिता का सपोर्ट में ज्वाइन करने का आज प्रोग्राम है, इसके लिए आया था। तांग का तांग ताकू को लास्ट ईयर कितना वोट मिला था पता है आपको? एग्जैक्टली हम तो उसको ये नहीं है शायद 300 हाँ अप्रोक्सीमेटली। तो आपका कैंडिडेट जो है तमिल का कितना वोट से हरा था उस समय? तो करीबन 46 से हरा, 84 उसको माइनस अगर मिलता था 84। तो आपको क्या लगता है कि अभी तांग ताकू का तमिल तगा का साथ जो है जोड़ना, तो 2024 इलेक्शन में क्या तमिल तगा जीत जाएगा? क्या जीतना चाहिए? जरूर जीतना चाहिए, ये तांग ताकू भी बहुत अच्छा एक लीडर है जी, जी। जरूर वो पिछले बार हरा है लेकिन बहुत अच्छा लीडर है, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक अच्छा लीडर है। तमिल तगा को क्यों सपोर्ट करते हैं आप? तमिल तगा वो तो अपना अपना होगा जी ना, हमको वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लीडर है, पुराना लीडर है हम लोग का यहाँ का, और अभी तक हम लोग का 32 में जितना अभी फिलहाल रास्ता खराब है लेकिन जो रास्ता वो बना है, जो खराब रास्ता जो है उसको भी वही बनाया। आज आपने BJP का ये झंडा ये लगाया हुआ है, मतलब कि BJP का कार्यक्रम है एक तरफ से, तो क्या तमिल तगा को जो है 2024 इलेक्शन में BJP टिकट मिलने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए टिकट में तो हम नहीं बोल पाएगा कुछ ना टिकट को, लेकिन हम चाहेगा जरूर हमारा इनको देना चाहिए। हाँ इनको देना चाहिए, और इनको देगा तो हम लोग इस बार श्योर आराम से आग बंद करके निकल जाता है, मतलब BJP टिकट मिल जाए। हाँ BJP टिकट मिलेगा तो हम लोग इस बार श्योर है जीत जाएगा आराम से। इसका मतलब आपका जो है 2024 इलेक्शन में आपका कैंडिडेट तमिल तगा जीत जाएंगे? श्योर श्योर श्योर। चलिए थैंक यू थैंक यू। आपका क्या नाम है?
मैं तलम तसीम। तलम तसीम जी, कौन सा सर्कल का है? मैं खाइंग का। खाइंग का। अभी आप बता सकते हैं कि जो आपका जो आज का जो कैंडिडेट यानी आपको आप लोग जो है तमिल तगा को समर्थन सपोर्ट कर रहा है? जी सर। तमिल तगा अभी तक जो है कितना बार इलेक्शन लड़ चुका है? तमिल तगा 84 से हम सुना 84 से अभी इसका तो 45 इयर्स हो रहा है क्या? मतलब अभी इस बार 24 को लड़ेगा तो 45 हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा। तो आप लोग जो है जो आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट को लेकर खासकर आपका चार सर्कल होता है जी सर, आप लोग आने वाला चुनाव में 2024 इलेक्शन में किस मुद्दे पर जो है किसको लेकर के आप लोग वोट किसको वोट देने वाला है, मतलब कि क्या को लेकर किस मुद्दा को लेकर के आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सर यहाँ पे हमारा तथित तुरुंगों में जो पहले जो हमारा अभी का जो प्रेजेंट कैंडिडेट जो है तालम तबो जी है, और जो आगे हम लोग सोचा था कि फॉर्मर मिनिस्टर तमिलता का जो है उस टाइम जो है माने तो वो उसका माने ये नया कैंडिडेट हम लोग सेलेक्शन का करेगा बोल के न्यू पेस में हम लोग तालम तबो को जिताया है लास्ट टाइम ना, लास्ट टाइम जी। तो इस बार जो है देखा है तो हम अभी चाह रहा है हमारा तथित तुरुंगों में तमिल तगा ही हम लोग गलत हुआ था, मतलब उस समय चुनके गलत हो गलत हुआ तो क्या बजा रहा है, मतलब तालिम तबो जो है आप लोगों का विकास काम नहीं किया या फिर क्या काम नहीं किया जिस कारण से फिर से आप लोग जो है उसको छोड़ करके तमिल तगा को साथ देना, क्या कारण है? क्योंकि बहुत ऐसा कारण है इनका, मैं तो पर्सनली ये नहीं है वो, मैं भी उसके आदमी थे जी। और उसका जो हमारा हमारा बहुत ये है उसका उसका ये चेबुंग बांगो में भी उसका जो काम करना था वो नहीं किया नहीं। और हमारा काइंग सर्कल में भी 15 कलर का ये आपका टाउन प्लानिंग था उसको भी नहीं किया नहीं। और जो वो पहले थमे तका का ये था ये स्कीम था तो सेंचन किया वाला था तो उसका MLA में जो आया है वो नहीं किया। और हमारा बोंगने तू मोलम बिंगुंग इसमें भी 39 फ्लोर था इनको भी वो नहीं किया, वो भी पहले जो थमे तगा का ये था सेंचन था सेंचन किया वाला था इसका टाइम में वो नहीं किया। इसलिए मेरा तरफ से भी मैं अभी का प्रेजेंट MLA को मैं दुख लग रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट काम नहीं किया, नहीं किया बस जो हम चाहता है वो नहीं किया। आज का प्रोग्राम में लास्ट टाइम का एक कैंडिडेट है जी। जो आपका ताहंग तागु जी, तो ये जो है आज तमिल तगा को सपोर्ट कर रहा है जी सर। तो आपको क्या लगता है इनके सपोर्ट से जो है तमिल तगा को जीत मिलेगा या फिर हार मिलेगा, आपको क्या लगता है? लास्ट टाइम में भी ताहंग तागु जो है वो तालम तबो को सपोर्ट हुआ है जी, तो इसलिए तालम तबो जीत हुआ है जी। और इस बार भी जो है ये तमिल तगा को ताहंग तागु जो है सपोर्ट हो रहा है, इस बार भी हम लग रहा है वो ताहंग तागु का जितना भी माने इसका ये सफरदार जो है ये तमिल तगा को साथ दे रहा है और हम जो साथ दे रहा है इस बार ताहंग तागु जहां में सपोर्ट करेगा और सपोर्ट कर रहा है तमिल तगा को सपोर्ट कर तमिल तगा जीत होगा, यानी ताहंग तागु जो है एक्सपेक्टर है मतलब जी, जो वो जहां जाएगा जीत पक्का है, जीत पक्का होगा। तो आपको क्या लगता है आपका जो MLA कैंडिडेट है तमिल तगा को बीजेपी टिकट मिलने वाला है? थमे तगा को मिलेंगे जी, क्योंकि हम तथित तुरुंगों में अभी थमे तगा को क्योंकि सपोर्ट हो रहा है पब्लिक जो है ना जी। उसका हाथ से हम चौक का पब्लिक सपोर्ट से तो उसको टिकट मिलना चाहिए, ऐसे भी वो बहुत पुराना हम लोग का ये का अरुणाचल का एक कांग्रेस का या बीजेपी का एक ये पुराना नेता है वो मिलना चाहिए। और हम तथित तुरुंगों का ये पब्लिक भी उसको एकदम 100% तो अभी सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए टिकट मिलना चाहिए। चलिए हमसे बात करने शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका क्या नाम है? अनोंग मीडिया। कौन सा सर्कल से है? काइंग सर्कल। काइंग से मतलब जहाँ पे जहाँ अभी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ यहाँ हम देख रहा है डेवलपमेंट बहुत कम हो जी। मैं यहाँ बहुत मतलब बहुत कम समय में मैं कायम को अच्छा से देख रहा हूँ, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज हमको कम दिखाई दे रहा है। हालांकि हाईवे जो बना हुआ है वो तो बनना ही है, लेकिन ये जब गांव को जब देखता है ना कायम सर्कल को मतलब पिछड़ा हुआ है जी, इसको लेके आपको कुछ राय है? उसके लिए मैं बहुत सबसे पहले मैं अरुण भूमि को नमस्कार जी, क्योंकि आप लोग ने मुझे बोलने का थोड़ा बहुत मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोग को, आपका चैनल को और आपका चैनल का माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहता हूं जी। और आपने पूछा मेरे को सवाल जी, वो सवाल जो है आपको हम बताएंगे जी।
2019 इलेक्शन में स्कीम वोट लाए थे ताका साहब ने, और 1984 से उनके साथ में मैं, और मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा बीजेपी का जी, और किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी था जी। और उसके बाद में अभी फिर हार गए तो फिर उसके टीम को तो हमको तो फिर अभी भी फिलहाल तो किसान मोर्चा का हूँ। और उसके बाद में आपका सवाल बात रहा, आपका सवाल जो है ठीक जी, स्कीम लाया काफी है आपका। देखिए ये जो है आपका टाउन प्लानिंग में 15 करोड़ तोड़ लेकर आया था, ये आप सड़क का बात कर रहे हैं जी, प्लानिंग का टाउन प्लानिंग का बात कर रहे हैं, 15 करोड़ लाया था वो पब्लिक लोग ने हम लोग तगा साहब को हरा दिया और 19 को हराने के बाद में हम लोग सोचा है, मतलब 19 को इलेक्शन जीतने का साथ साथ करेगा सोचा था, हरा दिया पब्लिक। और उसके बाद में जो ऑनरेबल अभी जो प्रेजेंट MLA है वो क्या नहीं है, आपस में टूटू मेमे करके कॉन्ट्रैक्ट का फार्म वोम का वजह से टूटू मेमे करके चला गया वो पैसा। तो उसके लिए मैं बहुत दुख है जी। जो भी डेवलपमेंट सेंट्रल स्कीम जो भी लाया सर तारा साहब, उनका विधायक का काम है वो उनको टिकल कर जी। अभी वो टिकल किया नहीं है अभी तक, कुछ एक बिन भी आपका कारपेटिंग हुआ नहीं है, प्लानिंग टाउन प्लानिंग के अंदर में कुछ भी हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैं काफी दुख हूँ, पैसा लाया तो पैसा तो जल्दी इतना आसान से आता नहीं है जी। और उसके बाद मुश्किल से लाया है, लाने के बाद में वो काम को भी किया नहीं है, तो उसके लिए काफी दुख हूँ। आज का ज्वाइनिंग को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आज ज्वाइनिंग जिन्होंने किया है जो तमिल तगा साहब को जो सपोर्ट कर रहा है, लास्ट टाइम वो खुद एक कैंडिडेट थे जी। और बहुत कम मार्जिन से तमिल तगा सर हारे थे, कारण तो ये भी कह सकते हैं कि जो तहंग तगु का जो है MLA कंटेस्ट करना, अगर वो कंटेस्ट नहीं करता तो तमिल तगा आराम से निकलता जी। लेकिन आज वो समर्थन दे रहा है, तो 2024 इलेक्शन को आप क्या देखता है जो तहंग तगु का यह समर्थन कर रहा है। और मैं आपका अरुण भूमि का माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगा, आप अच्छा सवाल पूछा, इसमें ऐसा है गया 2019 को तहंग तगा एक कैंडिडेट था जी। और उसके बाद में तगा साहब जो है बीजेपी का कैंडिडेट था, 84 से गया साल में हरा जी। और इस बार वो समर्थन दे रहा हम लोग का साथ, तगा साहब का साथ में जी। इस बार हम श्योर करता है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर हम लोग जीतेगा श्योर जी। और मैं आपका माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी अपील करना चाहूंगा जी, मेरा सवाल वही है, अपील करना चाहूंगा वही है कि खास कर तो टिकट पर टिका जी हाँ। हाँ, तो टिकट आपको क्या लगता है, तमिल तगा सर अपने आप में बीजेपी का बहुत पुराना वर्कर जी, क्योंकि 1995 को वो जो है एक बीजेपी के मेंबर के तौर पर काम शुरू किया और 97 में स्टेट में प्रेसिडेंट भी रहे जी हाँ। तो अभी तो आया टिकट का जी, क्योंकि बीजेपी का एक पुराना वर्कर्स को टिकट मिलेगा कि नहीं, और लास्ट टाइम बीजेपी टिकट से ही हार उन्होंने हारा जी, तो इस बार मिल सकता है कि नहीं, कि आपका क्या राय है। मैं इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका अरुण भूमि का माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, पेमा खांडू सर को, अभी तहांग तक जो है हम लोग को तगा साहब को आप समर्थन दे रहा है, तो इस बार हम लोग 100% एश्योरेंस देता हूं कि इस बार किसी भी हालत में तगा साहब निकलेगा जी। ये ग्राउंड ये रियलिटी के बात जी। और बात रहा है टिकट, गया बार भी बीजेपी टिकट से ही हारा, कैंडिडेट वही था और टिकट भी वही मिला, और उम्मीद करता हूं इस बार भी खंडू साहब का द्वारा और गवर्नमेंट का द्वारा उसको देना चाहिए, हमारा एज ए वर्कर होने के नाते सोचने का ढंग से जी। मैं वही सोच रहा हूँ कि देना चाहिए जी, मिलना चाहिए। और उसके बाद में जब हारने वाला कैंडिडेट को कैसे देगा फिर टिकट, जो जीत रहे हैं उनको तो टिकट देना चाहिए, मतलब जिसका फील अच्छा है, जिसका फील अच्छा है उनको तो टिकट देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अरुण भूमि का माध्यम से चीफ मिनिस्टर को किसी भी हालत में रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी हालत से तगा साहब को समर्थ वो साथ साथ दीजिए, टिकट दीजिए, टिकट को दे दीजिएगा और किसी भी हालत में। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, क्योंकि हमको लगता है कि आप अकीतु रुमगुन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं जी हाँ। तो अभी अरुणाचल धीरे धीरे बदल रहा है जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जितना आपसे हमने बात किया ये बात साफ होता है कि जो अभी मौजूदा जो विधायक है ये जो है डेवलपमेंट विकास काम नहीं कर रहा है जी।
आपके मुताबिक जी और यहाँ के पब्लिक के मुताबिक जी, तो इसका मतलब 2024 इलेक्शन में जो है तमियो तगा विकास को लेकर के इलेक्शन लड़ रहा है या फिर जो पैसा देने वाला को वोट मांगेंगे या फिर देने पैसा दे करके वोट मांगेंगे, आप विकास पर लड़ रहे हैं या फिर किस पर लड़ने वाले? हम विकास पर लड़ रहे हैं जी, पैसा पर नहीं जी। और नंबर वन, आपने अच्छा सवाल पूछा जी, मेरे को ये बात सही है क्योंकि तगा साहब गया 2019 को काफी पैसा लेकर आया था सेंट्रल स्कीम आपका, जैसे कि आपका जो मोलम टू बोंगना करोड़ 29 करोड़ करेगा 39 करोड़ पैसा लेकर आया था वो भी वापस चला गया, और यहाँ 15 करोड़ लाया था सेंट्रल स्कीम का वो भी वापस चला गया। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब स्टेट का ही पैसा चल रहा है थोड़ा यहाँ सेंट्रल स्कीम का, जो विधायक अभी का फिलहाल का विधायक सेंट्रल स्कीम लाया नहीं है कभी, अभी तक आया नहीं अभी तक मेरा नजर में जी, एज ए कार्यकर्ता होने के नाते मेरा नजर में देख रहा हूँ कि सेंट्रल स्कीम अभी तक फिलहाल नहीं लाया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर दोबारा अगर पब्लिक अभी दोबारा बनाते हैं तगा साहब को, हम लोग यही जोर देगा रोड मतलब विकास विकास जी, रोड एजुकेशन और उसके बाद में मेडिकल जी, ये तीन चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट हम देते हैं एज ए कार्यकर्ता बना के आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। हाँ आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल ये है, आप यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता को जानते हैं, हर मोर्चा को आप जानते हैं जी, तो आप जो है जब हम लोग बोलते हैं कि तमियो तगा जो है बीजेपी के पुराना वर्कर्स है जी और बहुत पुराना लीडर भी है जी, तो टिकट को लेकर के आप लोगों का रिक्वेस्ट क्या रहेगा, मतलब जो स्टेट का जो है बीजेपी प्रेसिडेंट से कि प्रॉब्लम अरुणाचल का ये है कि टिकट जो मिलता है वही कंटेस्ट करना चाहता है, जो टिकट नहीं मिलता है बाद में जो है अपना कार्यकर्ता को पीछे हट के छोड़ भी देते हैं, कल को यदि तमियो तगा को बीजेपी टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो कंटेस्ट कर रहे हैं या फिर चोर है? करेगा जी, करेगा करेगा, मतलब बीजेपी टिकट अगर नहीं भी मिलता है तब भी कर रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।